दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं मेरी तरह और आपने भी अपने YouTube चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग्स को ऑन नहीं किया है, जी हाँ दोस्तों, हर एक क्रिएटर को अपने YouTube चैनल की कैटेगरी के हिसाब से अपने चैनल में डिफॉल्ट सेटिंग्स करनी होती हैं, जिनके बगैर उनका चैनल अधूरा होता है। अगर आपने अपने चैनल में डिफॉल्ट सेटिंग नहीं की हैं और अगर आप अपने चैनल पे कितनी भी अच्छी वीडियो डाल दीजिए, कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लीजिए, चाहे आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी वीडियो बना लीजिए, डिफॉल्ट सेटिंग्स के बगैर आपका चैनल अधूरा है, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जैसे आप डिफॉल्ट सेटिंग जब करेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल इस कैटेगरी का है, हम अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियो डालेंगे, यूट्यूब हमारी वीडियो किन लोगों को भेजेगा, ये सब हमको डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही करनी होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट से हम एक मोबाइल लेके आए नया, अब उस मोबाइल में हम अगर डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं करेंगे, अपने मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग जरूर की होंगी, तो हमारा जो मोबाइल है ना तो अच्छा फोटो लेगा, ना ही अच्छी वीडियो शूट करेगा, और बहुत से जो सेटिंग्स होती हैं जो हमको ऑन करनी होती हैं। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल में भी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो हमको करनी होती हैं, जिसके बाद ही हमारा चैनल सही से ग्रो करेगा। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो डिफॉल्ट सेटिंग जो आपको अपनी चैनल की कैटेगरी के हिसाब से अपने चैनल में करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको फोन की स्क्रीन। तो दोस्तों, YouTube चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग्स करने के लिए हमको अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा। तो क्रोम ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमको लिखना है बाईटी स्टूडियो लॉगिन, और यहाँ से सबसे पहले जो लिख के आ रहा है बाईटी स्टूडियो लॉगिन, इस पर हम इस तरीके से टैप कर देंगे। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको अपना चैनल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना नहीं आता है, कमेंट करके बता दीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जब आपका चैनल क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इस तरीके से जूम करना है और नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये वाला सेटिंग्स है, इस पर हम इस तरीके से टैप करेंगे। जब इस पर टैप करेंगे तो हमारा एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहीं से हम जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स अपने चैनल में करेंगे। तो सबसे पहले लिख के आ रहा है जनरल, तो यहाँ पे हमको ऐसे ही रहने देना है। इसका मतलब है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपकी जो इनकम है वो शो होगी यूएसडी डॉलर में। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं सेटिंग्स की। तो चैनल वाले ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहली सेटिंग्स क्या होती है, तो यहाँ से सबसे पहला जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, बेसिक। अब बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले हमको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, मतलब हमको अपने चैनल की कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। अगर हम कंट्री सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यूट्यूब को नहीं पता होगा कि आपका जो चैनल है वो किस कंट्री का है, वो आपके इंप्रेशन कहाँ भेजे। तो कंट्री हमको ज़रूर से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने कंट्री सेलेक्ट नहीं की है तो कर लीजिए, इसके बगैर भी आपका चैनल नहीं चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, नीचे कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कीवर्ड कौन से होते हैं दोस्तों? ये कीवर्ड होते हैं हर चैनल की कैटेगरी के हिसाब से, सेम कीवर्ड नहीं होते हैं। जिसका जैसा चैनल उसके पैसे कीवर्ड, जैसे मेरा चैनल आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं टैक्स रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड जो है टैक्स रिलेटेड डाले हैं। सबसे पहला काम होता है कि आपको अपने चैनल का नाम इस कीवर्ड में जरूर डालना होता है। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, एक बार हम अपने चैनल का नाम डाला, दो बार डाला, उसके बाद में आप देख सकते हैं तीन चार, मतलब चार से पांच बार मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल दिया है। ये आप जब डालेंगे तो इससे आपका चैनल सर्च में सबसे ऊपर आएगा। अगर आपने अपने चैनल का नाम कीवर्ड में नहीं डाला है तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो चैनल की कैटेगरी है, तो मेरे चैनल की कैटेगरी है टैग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो वायरल कैसे करें, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ये टॉपिक सर्च किया जाता है, तो मैंने एक ये डाल दिया, एक टैग बन गया। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि ये भी टॉपिक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो मैंने ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। फिर मैंने लिख दिया वीडियो वायरल कैसे करें, और उसके बाद में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से रखने हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका चैनल है ब्लॉगिंग का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, माय फर्स्ट ब्लॉग। अगर आपका चैनल रेसिपी से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर जो फेवरेट रेसिपी होती हैं सबसे ज़्यादा, जैसे मटर पनीर कैसे बनाएं, या जो है आलू डोसा कैसे बनाएं, समोसा कैसे बनाएं, इस तरीके से कीवर्ड आप यहाँ पे लिख देना। और आप अपने चैनल का नाम लिखना यहाँ पे मत भूलना, कम से कम पाँच या छः बार अलग अलग तरीके से। तो ये तो पहली सेटिंग्स हो गई जो आपको अपने चैनल में कर लेनी है, अगर आपने नहीं की हो तो। उसके बाद में चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में। दोस्तों यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये वाली सेटिंग्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देते हैं और कुछ यहाँ पे आई
वांट टू रिव्यू यानी कि नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमेशा आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने धोखे से भी यहाँ पे यस सेलेक्ट करके सेव कर दिया है तो जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो केवल बच्चों तक ही जाएगी, ना तो कोई आपकी वीडियो पर कमेंट कर सकता है। और बहुत कुछ हैं जो इसमें आपकी प्रॉब्लम चैनल में आ सकती है। किसी भी कैटेगरी के चैनल हो हमेशा यहाँ पे नो सेलेक्ट करके रखना। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पे आपको नीचे जो क्लिप्स है इसको भी आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या होता है कि कोई भी आपकी वीडियो से रिमेक्स बना सकता है, इससे आपका चैनल जो है प्रमोट होगा, तो इसको भी आप ऑन करके रखना। तो ये पहली सेटिंग्स हो गई। उसके बाद में चलते हैं फीचर एलिबिलिटी में। तो दोस्तों जब आप अपने चैनल को बनाते होंगे, बनाया होगा, तो पहला वाला जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन आपका चालू होगा। और ये चालू होगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और उसके बाद में कोलोबोरेशन तो प्लेलिस्ट कर सकते हैं, और न्यू वीडियो कर सकते हैं प्लेलिस्ट में ऐड। उसके बाद में नीचे वाला जो है यानी कि इंटरमीडिएट फीचर, ये हमको ऑन करना होता है। ऑन कैसे करेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। एक साल में आप एक मोबाइल नंबर से केवल दो चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एक ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं एक नंबर से, तो आप कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं और इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वेरीफाई करना होता है। और फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप 15 मिनट से लंबी लॉन्ग वीडियो डाल सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप थंबनेल नहीं लगा सकते। उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब आप लाइव स्ट्रीमिंग अपने यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया तो आप लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में तीसरा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एडवांस फीचर। तो एडवांस फीचर आप दो तरीके से इनेबल कर सकते हैं। एक तो आप वीडियो वेरीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन आएगा और आपके पास एक मेल जाएगा, वहाँ से आप अपनी वीडियो वेरीफिकेशन साफ रोशनी में करेंगे तो आपका तुरंत ही अपडेट मतलब इनेबल हो जाएगा एक से दो घंटे में। दूसरा, आपको अपनी किसी भी आईडी को, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको आप ईमेल पे भेज सकते हैं, वहाँ से भी आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा। और तीसरा होता है चैनल हिस्ट्री। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 महीने में ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। तो हम वीडियो वेरीफिकेशन ही सबसे अच्छा रहता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, जैसे आपकी चैनल पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ गया तो आप अपील कर सकते हैं, मतलब कि कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए। उसके बाद में क्या है, क्रिएट मोर लाइव, यानी कि एक दिन में बहुत सारी लाइव कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं, मतलब ये जो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ कर सकते हैं जब आप अपने चैनल के एडवांस फीचर को इनेबल कर लेंगे। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है। उसके बाद में फिर से चलते हैं नीचे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में और उसके बाद में आपको आना है यहाँ से अपलोड डिफ़ॉल्ट में। अपलोड डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि एक बार जो चीज़ हम सेट करते हैं वो हमेशा रहे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में टाइटल में आपको अपने चैनल का नाम ही लिख देना है, सबसे सही यही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन कौन सा होता है, जैसे आप अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के आता है, सोशल मीडिया लिंक होती हैं और अपने चैनल के बारे में आप बताते हैं, तो बार बार हमको लिखना ना पड़े, वो आप यहाँ एक ही बार में यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद में जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो में लग जाएगा। उसके बाद में विजिबिलिटी अनलिस्टेड रहने देना है हमेशा। अनलिस्टेड से ये फ़ायदा होता है, मान लीजिए कोई आपने वीडियो अपलोड की और उसमें कोई गलती रह गई तो आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक करके यहाँ से वीडियो क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, तो हमको यहाँ पे हमेशा अनलिस्टेड करके ही वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अनलिस्टेड रहने देते हैं, आपको भी अनलिस्टेड ही रखना है। उसके बाद में टैग्स, एक टैग्स होते हैं जो हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं वहाँ पे लगाते हैं बाई टी स्टूडियो में जाके, और ये टैग्स होते हैं हमारे चैनल के टैग। तो यहाँ पे हमको 500 कीवर्ड लगा के टैग्स बना देने हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया है 5 से 6 बार और उसके बाद में नीचे हमने अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से टैग्स लगा दिए हैं। तो जैसे आपने कीवर्ड लगाए थे अपने चैनल के हिसाब से उसी तरीके से आप टैग्स लगा लेना, ठीक है। तो ये काम पूरा हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव जरूर कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं 492 हमने यहाँ से टैग्स लगाए हैं। तो उसके बाद चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में, जो दूसरे नंबर की सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहला जो है लाइसेंस, क्रिएटिव लाइसेंस कॉमन्स, इसमें आपको जो दिख रहा है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, इस पर ऑन कर देना है। दूसरे नंबर की है कैटेगरी, ये आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है। आपकी जिस भी कैटेगरी के चैनल हो, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप यहाँ से पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका कॉमेडी का चैनल है तो आप कॉमेडी बना सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंटरटेनमेंट करते हैं तो आप इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेना। न्यूज़ का चैनल है, न्यूज़ सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी आपको ध्यान से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में वीडियो लैंग्वेज हिंदी कर देनी है, कैप्शन आप नन कर देना, और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को भी आप हिंदी कर देना।
उसके बाद में कमेंट वाले को आप ऑन कर देना, क्योंकि इससे पता चलता रहेगा कि लोगों को आपकी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो कमेंट आप हमेशा ऑन रखना। अगर आपने यहाँ से कमेंट को ऑफ कर दिया तो आपकी किसी वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद में सो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, इस पर आप अगर टिक रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी लोगों ने आपकी वीडियो को लाइक किया है। और अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कितनी लोगों ने वीडियो को आपको लाइक नहीं किया, मतलब कोई वीडियो आप देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इसकी वीडियो को लाइक किया है। तो इसको भी आप ऑन कर देना। उसके बाद में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तब आएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो मेरा मोनेटाइज है, तो इसमें आपको बस ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी वीडियो में अगर बीच में ऐड लगाना चाहते हैं तो उसको आप चेक कर देना, अगर बीच में ऐड नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको आप अनचेक कर देना। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इसको आप छोड़ देना, और सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो हमारी पहले से सेव है तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ से फिर से आ जाते हैं वापस और चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से, और ये हमारी चैनल वाली सेटिंग हो गई डिफ़ॉल्ट, यानी कि दो सेटिंग्स होती हैं जो हमको यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद में हमको आना है बैक, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक आने के लिए यहाँ से पहले हम इसको क्लोज करेंगे। आप क्लोज करने के बाद में यहाँ पे हमको कुछ और सेटिंग्स करनी होती हैं। तो यहाँ से जो नीचे से ये वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला, इस पर हमको इस तरीके से टैप करना है। चैनल कस्टमाइजेशन, ये भी आपको ज़रूर करना है। अगर ये भी आप नहीं करेंगे तब भी आपके चैनल पे व्यूज़ और ग्रोथ आपका चैनल नहीं करेगा। सबसे पहला है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपने चैनल का बैनर लगाना होता है। बैनर तो वैसे आप अपने YouTube चैनल से भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बैनर दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया लोगो, तो ये भी आपने लगा ही लिया होगा। और उसके बाद में बात करते हैं नीचे हैंडल, हैंडल को भी यहाँ पे इग्नोर कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब नीचे आ गया कुछ चैनल URL, ये ऑटोमेटिक आएगा। अब लिंक्स है, फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, मतलब आप जिस जिस सोशल मीडिया को यूज करते हैं सभी की लिंक आप अपने चैनल में यहाँ पे दे देंगे। तो जब भी आपके चैनल पे कोई विजिट करेगा और अबाउट सेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे वो केवल क्लिक करेगा उनके लोगों पे, जो भी सोशल मीडिया की लिंक दी होगी सीधे वहीं पहुँच जाएगा। जैसे फेसबुक वाली आइकन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे फेसबुक पेज पे पहुँच जाएगा, अगर वो टेलीग्राम वाले लोगों पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पेज पे पहुँच जाएगा जब आप अबाउट सेक्शन को ओपन करेगा। तो यहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको एक ऐसी मेल आईडी देनी है, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके पास जो है स्पॉन्सर वाले जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे एक मेल आईडी दे देना। और मेल आईडी आप अपने चैनल वाली मत देना जिससे आपने चैनल बनाया है, कोई अदर कोई मेल आईडी देना। तो वो यहाँ पे मैंने दे दी है, आपको भी इसी तरीके से दे देनी है। तो ये सब काम हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ से सेव कर देना है। और यहाँ से होम टैब, अब चलते हैं होम टैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और हर किसी को अपने चैनल पे इसको ऑन करना है, चाहे आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल हो या आपका शॉर्ट वीडियो का चैनल हो। तो सबसे पहले चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब, यानी कि चैनल का ट्रेलर होता है, जैसे कोई स्क्रॉल कर रहा है आप इस तरीके से, और ये जो वीडियो है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसके सामने वीडियो ही आएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी सबसे बेस्ट वीडियो लगानी है। कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारी ऑलरेडी वीडियो लगी हुई है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज वीडियो रिमूव वीडियो, जैसे मान लीजिए हमको चेंज वीडियो करनी है तो यहाँ से हम चेंज वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी वो पूरे चैनल की सभी वीडियो आ जाएंगी। जौन सी वीडियो आपको लगे कि ये वीडियो मेरी सबसे अच्छी है, इससे मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आए हैं, सबसे ज़्यादा इस पर मेरे व्यूज आएँ, तो उसी को आप लगाएं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी व्यूज़ होंगे और यूट्यूब पर वीडियो वही देखी जाती है जिस पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो लगा देना। उसके बाद में जो और सेट का मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से सेकंड वाली है, यानी कि ये फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी कि जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मान लीजिए उन्होंने आपकी एक वीडियो देखी, तो यहाँ पे आप वो वीडियो लगाएं जो आपकी वो रिटर्निंग जो आपके पहले से सब्सक्राइबर मौजूद हैं वो आपकी वीडियो देखें। इसको भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे और चेंज वीडियो करके वीडियो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैनल ट्रेलर और रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स के लिए आपको दो वीडियो यहाँ पे जरूर लगानी है, ठीक है। उसके बाद में ये है फॉर यू, तो यहाँ पे हमने एक चैनल भी लगाया है, जैसे आप अपने किसी भी चैनल को लगाना चाहते हैं, अपने आपके दो चैनल हैं तो आप अपने इस चैनल में अपने दूसरे चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हमारे कोई चैनल को विजिट करेगा यूट्यूब में जाके तो यहाँ पे एक चैनल दिखाई देगा और उस पर क्लिक करके वो हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकता है। कैसे लगाएंगे, यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से लगा रखा है, तो फीचर चैनल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल की टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद में आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना है, और जैसे ही आपका चैनल आ जाएगा तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे
आपने चैनल को लगा के दिखाएंगे आपको। टैग द पिन और 2.0, तो ये वाला चैनल है जो हमने ऑलरेडी लगा चुका है। इस पे आपको एक बार इस तरीके से टैप करना है, और टैप करने के बाद में आप यहाँ से सेव कर देंगे तो आपका चैनल जो है लग जाएगा। तो हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, हमने पहले से लगा रखा है। तो ये सारी सेटिंग्स जब आप कर लेंगे, ये थी इम्पोर्टेंट सेटिंग, इनको जब आप कर लेंगे तब आपका यूट्यूब चैनल आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो है इम्प्रेशन भेजेगा उन लोगों को जो आपकी कैटेगरी के वीडियो देखना पसंद करते हैं, और आपका चैनल अच्छे से ग्रो होगा। तो ये सेटिंग्स आपको अपने चैनल पे जरूर कर लेनी है। अगर आपने ये सेटिंग नहीं की है तो अभी जाइए और अपने चैनल में ये सेटिंग्स कर लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग्स करनी है, जिसके बगैर आपका चैनल बेकार है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन आल पर जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।